हेलो सो गाइस, आज मेरे पास आया है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 मॉडल। और इस बाइक को जैसे कि मैंने 4 किलोमीटर दूर से पैर से टान के लाया और खींच के लाया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस, मैंने देखा था इसका करंट नहीं आ रहा है, बाइक में करंट मिसिंग है और फ्यूल सिस्टम कंप्रेसर सब कुछ सही है। तो आज हम बताएंगे, अगर रॉयल इनफील्ड बाइक आप लोगों के पास आता है, आपके रॉयल इनफील्ड बाइक है, करंट नहीं आता है, तो ये वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअली करंट ना आने का रीज़न क्या है, बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ एक्चुअली इस बाइक में क्या हुआ है, करंट क्यों नहीं आ रहा है। चलिए, तो सो गाइस, यहाँ देख ले, CDI यूनिट यहाँ दिया गया है, फ्यूज बॉक्स भी यहाँ दिया गया है और बाटली कॉइल इस जगह पर है। ठीक है, अब चलिए एक एक तार के बारे में, एक एक वोल्टेज के बारे में, एक्चुअली इस बाइक में क्या फॉल्ट हुआ है वो भी आप लोगों को शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले हम लोग उपयोग करेंगे CDI की कपलर पर, वोल्टेज चेकअप करेंगे, पिकअप कॉइल का रीडिंग चेकअप करेंगे और जैसे कि बॉडी अर्थिंग, तीनों चीज़ अगर सही रहे तो हम लोग को पता चल जाता है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग वोल्टेज चेकअप करेंगे। तो 20 में करने के बाद इस कपलर पे आप लोगों को देखने में मिलेगा, तीन कपलर है और यहाँ ब्राउन कलर की जो वायर है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा। तो चलिए इग्निशन ऑन करते हैं और ऑन करते हैं। तो ब्राउन कलर की वायर में हम लोग वोल्टेज यहाँ मिल रहा है कि नहीं, वही आप लोगों को दिखाएंगे। यानी कि 12 वोल्ट मिल रहा है, दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर पर, आसानी से मिल गया है, देखिए। अब हम लोग चेकअप करेंगे ब्लैक कलर की जो वायर है बॉडी अर्थिंग। तो चलिए, बॉडी अर्थिंग के लिए ब्लैक कलर, हम लोग का बीप बजना चाहिए, यानी कि बीप बज रहा है, बॉडी अर्थिंग भी सही है। अब हम लोग चेकअप करेंगे पिकअप कॉइल की रीडिंग, पिकअप कॉइल की रीडिंग हम लोग को मिलेगा इस कपलर पर। और ये जो दोनों वायर है हम लोग का आउटपुट है CDI से जाएगा बाटली कॉयल में, दो कॉयल दिया गया है, यहाँ एक कॉयल, यहाँ एक कॉयल, तो पीला में व्हाइट कलर की है एक बाटली कॉयल में जाएगा और रेड में व्हाइट, ये भी बाटली कॉयल में जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ वोल्टेज नहीं चेकअप करेंगे। तो पिकअप कॉयल का रीडिंग 300 का ऊपर 360 इस तरह से आना चाहिए, अब कितना आ रहा है वही हम देखेंगे और हमको पता चल जाएगा एक्चुअली क्या फॉल्ट है। तो गाइस, यहाँ 374 पॉइंट हम लोगों को दिखा रहा है इसका रीडिंग, यानी कि बाइक में जो इंजन में क्रैंक पोजीशन सेंसर दिया गया है वो बिल्कुल बराबर सही है, तो यानी कि वोल्टेज भी सही मिला, बॉडी अर्थिंग भी और पिकअप कॉइल भी। अब रीजन है CDI यूनिट अगर हम लोग का सही रहे तो आउटपुट हम लोगों का इग्निशन लाइन बनना चाहिए। तो चलिए वहाँ जाते हैं, बाटली कॉइल भी ख़राब हो सकता है, अभी आप लोगों को कन्फर्म नहीं बताएंगे। अब इस जगह पर आते हैं गाइस, ये जो आप लोगों को देखने में मिला दो कपलर है, दो इग्निशन बाटली कॉइल है, तो ये वायरिंग के कपलर में ऑटोमेटिक इग्निशन ऑन करने से हम लोग का 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगा ब्राउन कलर के वायर में, दोनों में बाइक ब्राउन कलर दिया गया है। तो वोल्टेज पहले हम लोग यहाँ चेकअप करेंगे, वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, एक हाथ से पकड़ो इसको और ब्राउन कलर में एक वायर अटैच करेंगे और इंजन का साथ एक बार संपर्क करेंगे, तो यहाँ 12 वोल्ट मिल रहा है इस पर, और इस पर भी ब्राउन कलर की वायर में हम लोग देखेंगे 12 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि वोल्टेज हम लोग का यहीं बराबर है। अब हम लोग का पिकअप कॉइल का जो इग्निशन है वो आ रहा है कि नहीं, तो गाइस वो चेकअप करने के लिए हम लोग को एक वायर की ज़रूरत होता है, सही रहे तो ऑटोमेटिक हम लोग का बजेगा और इससे पता चल जाएगा जो बाटली कॉइल ख़राब है या सही है। चलो, बाइक का किक का उपयोग करो, किक मारो। तो गाइस, यहाँ बाइक नहीं बज रहा है, अब आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ मैंने आर्थिंग को उसी जगह पर करेंगे, नहीं किक नहीं मारी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बज रहा है, सिर्फ हम लोगों का पिकअप कॉइल का इग्निशन लाइन नहीं आ रहा है। तो 100% मुझे पता चल गया है CDI यूनिट हम लोगों का कट चुकी है, ख़राब हो चुकी है,
इसका कारण ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिलता तो हम लोग वायरिंग चेकअप करता, कील स्विच चेकअप करता, इग्निशन स्विच चेकअप करता, यहाँ वोल्टेज बराबर आ रहा है। तो चलिए मार्केट से हम लोग CDI कॉइल लाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है हम लोग का CDI यूनिट रॉयल इनफील्ड बाइक की। तो अभी हम लोग नया CDI कॉइल इंस्टॉल करेंगे, तो चलिए। अब हमने नया CDI इंस्टॉल कर दिया है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ किक मारने से यहाँ हम लोगों का बाइजर बजेगा अगर CDI का प्रॉब्लम रहने से, ठीक है। चलो चलो किक मारो, पहले सुनवाना है, मारो। बस बस बस, यानी कि यहाँ किक मारने से हम लोग का इंडिकेटर का बाइजर बज रहा है। अब हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। अगर बैटरी कॉइल सही रहे तो ऑटोमेटिक इग्निशन कॉइल में करंट जाएगा। तो चलो बैटरी कॉइल में अटैच करते हैं, अब हम लोग करंट चेकअप करेंगे। चलो मारो, चलो मारो, मारो मारो। बस 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 बस, करंट आ चुकी है, बाइक स्टार्ट हर चीज हर हाल में हो जाएगा। अभी कोई भी नहीं रोकता, बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो अटैच करता हूँ। बस, तो चलिए बाइक को अभी स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। बाइक हम लोग का स्टार्ट हो चुकी है, चलो समझाता हूँ। तो गाइस, आज आप लोगों ने नया सीखा, रॉयल इनफील्ड बाइक क्लासिक 350 cc मॉडल अगर आप लोगों के पास आता है ऑल मॉडल बाइक और उसमें CDI यूनिट दिया गया है, अगर बाइक में करंट मिसिंग है, करंट नहीं आ रहा है, तो आप लोग किस तरह से जाँच करें जिसमें कि कौन सा कॉइल कटा है। इग्निशन लाइन बनने में हम लोगों का जैसे कि पिकअप कॉइल का ज़रूरत होता है, CDI यूनिट का ज़रूरत होता है, बाटली कॉइल का ज़रूरत होता है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को जांच करना है कौन सा कॉइल कटा है, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे जो एक्चुअली इग्निशन लाइन के लाइन में क्या हुआ है। क्योंकि मैकेनिक जो है हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, और जैसे कि एक एक पार्ट्स को खरीद के लाते और लगा लगा के देखते हैं कौन समय हम लोग का करंट आता है, तो इसमें हम लोग का पैसा ज़्यादा लग जाता है और वेस्ट भी हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को तरीका बताया जो किस तरह से हम लोग जाँच कर चारों में से कौन सा कॉइल कटा है, इस वीडियो में आप लोग को दिखाया। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक यूट्यूब चैनल के साथ।